लगभग हर दिन आपके पास ऐसे फोन कॉल्स जरूर आते होंगे जिसमें कोई आपको ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने की सलाह देता है जहां आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं स्टॉक मार्केट में कमाई और नुकसान की बहस का कई बार आप भी हिस्सा बन चुके होंगे। इन सभी मौकों पर आप एक शब्द से बार बार गुजरते होंगे, वो है निवेश या इन्वेस्टमेंट। खास बात है कि लोगों की जिंदगी में इस शब्द को इतना महत्व देने के बाद भी इस जादुई शब्द की वास्तविक समझ बहुत कम लोगों के पास ही होती है। आप ही नहीं, हर दिन दुनिया भर की सरकारें, बैंक और अरबपति इस शब्द से उलझते हैं क्योंकि ये सभी जानते हैं कि किसी का भी भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में उसने निवेश को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई है। क्या होता है निवेश? What is investment? मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं और आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और साथ ही आपने सोने के कुछ गहने खरीदे हैं। अब आप बताएं कि क्या ऐसा होता है कि आप अपनी शिफ्ट पूरी कर कुछ देर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर काम करते हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि इससे आपके खाते में रखी रकम कुछ और बढ़ जाएगी, और क्या आप इसके बाद किसी ज्वेलर के साथ काम करने चले जाते हैं जिससे आपका सोना थोड़ा और कीमती हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम खत्म कर घर जाते हैं और आराम करते हैं, और जिस समय आप घर में आराम कर रहे होते हैं उस समय भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा अपने पैसों पर थोड़ा या बहुत ब्याज कमा रहे होते हैं, और साथ ही आपके लॉकर में रखे सोने की कीमतों में भी बदलाव हो रहा होता है, और ये सब तब होता है जब शायद आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यही होता है निवेश या इन्वेस्टमेंट, यानी अपनी कमाई से हुई आय को किसी ऐसे एसेट या विकल्प में लगाने की प्रक्रिया जिसमें उस खास एसेट या विकल्प की अपनी खुद की विशेषताओं की मदद से समय के साथ आपके पैसों में बढ़त दर्ज होने की उम्मीद हो, वही हमारे लिए निवेश या इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझें तो निवेश वो तरीका होता है जिसमें आप अपनी रकम पर सही समय पर किए गए फैसले के आधार पर बिना श्रम के अतिरिक्त पैसा पाने के हकदार बनते हैं। आपका सवाल, निवेश या इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है? चलिए आपसे हम दो सवाल पूछते हैं। पहला, क्या भविष्य में आपके खर्चे बढ़ेंगे? यकीनन लगभग सभी इसका जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी या फिर परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। अब दूसरा सवाल, क्या भविष्य में आपके खर्चों के हिसाब से आपकी कमाई या आय भी बढ़ेगी? इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि महामारी, आर्थिक मंदी, महंगाई में तेज उछाल, बढ़ती उम्र, कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से आय को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। यही वजह है कि आने वाले समय में अपने खर्च को पूरा करने, अपने लक्ष्य को पाने, यहाँ तक कि अपने सपनों के लिए भी आपको आय के ऐसे स्रोत की आवश्यकता होती है जो अपने बल पर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। सही समय पर पैसों को ऐसे एसेट्स या विकल्पों में लगाना जो अपने बल पर खुद ही आपको पैसों को बढ़ाते रहें, बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस समय भी काम करते रहते हैं जब आप अपना काम छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि क्या हर निवेश में पैसा बनता है? ध्यान देने की बात यह है कि निवेश अतिरिक्त आय की उम्मीद में किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में आपको नुकसान भी हो सकता है। दरअसल निवेश बेहद सोच समझ कर की जाने वाली प्रक्रिया है जिसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सही समय पर सही जगह लगाई गई मामूली रकम आपको बेहद ऊंचा रिटर्न दे सकती है, हालांकि गलत फैसले आपकी पूरी पूंजी को डुबा भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सही फैसला हो सकता है अगर बेहतरीन रिसर्च और एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर किया जाए, तो नहीं तो खुद के लिए जोखिम भी साबित हो सकता है। हमारा उद्देश्य यहाँ आपको जानकारी प्रदान करना है। यहाँ हम आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आपको यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से निवेश या इन्वेस्टमेंट के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ।